हाथियों के इसी उत्पात से गांव कस्बों यहां तक कि शहर में रहने वाले लोग भी दहशत में जीने को मजबूर हैं। मामला है छत्तीसगढ़ का, जहां करीब 300 हाथियों की मौजूदगी है। जंगलों में सिकुड़ते हैबिटेट से परेशान हाथी सरगुजा से लेकर प्रदेश की राजधानी रायपुर तक खुले में घूम रहे हैं। जाहिर है हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष के मामले पहले से कई गुना बढ़ गए हैं। साल 2005 और 2007 में केंद्र सरकार की ओर से लेमूर वन परिक्षेत्र को एलिफेंट रिजर्व घोषित करने की कवायदें हुई थीं, लेकिन नकिया कोल माइंस के चलते इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तब से लेकर अब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। अब एक बार फिर से हाथियों के आतंक की इस समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार कोरबा के लेमूर फॉरेस्ट रेंज को एलिफेंट रिजर्व घोषित करने की बात कह रही है। पूर्ववर्ती जो हमारी सरकार थी, उन्होंने 3 स्थानों को तो कर दिया नोटिफिकेशन, लेकिन लेमरू को नोटिफिकेशन वो लोग नहीं किए अब तक, जो रुका पड़ा हुआ है। और यही वो स्थान है जहां मतलब हाथियों के लिए एक अभयारण्य घोषित करने की बात है। जशपुर, सरगुजा, कोरिया और कोरबा समेत प्रदेश के करीब 10 से ज्यादा जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक बीते 5 सालों में हाथियों के हमले में करीब 199 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इतना ही नहीं, हजारों घरों के साथ तकरीबन 3000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें तबाह हुई हैं। इंसानों और हाथियों के बीच टकराव के बढ़ते मामले को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में एलिफेंट रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है। अब देखना होगा कि सरकार की ये फैसले जमीन पर कब तक उतर पाते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से धीरेंद्र गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।